नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के जेल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार की पीठ ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार है, लेकिन उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि रिम्स निदेशक ने लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट 15 फरवरी को ही कोर्ट में दाखिल कर दिया है। वहीं रिम्स के निदेशक ने स्पष्टीकरण के साथ लालू प्रसाद को एम्स भेजे जाने के लिए बनाई गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि उन्हें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं मिली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिली है। रिम्स निदेशक ने उन्हें बताया था कि अदालत के आदेश के आलोक में सारी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और वही दस्तावेज मुझे भी दिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि वे इस मामले में हाई कोर्ट रजिस्ट्री से जानकारी लेंगे कि रिपोर्ट दाखिल होने के बाद उसे रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाया गया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की है। बताया जा रहा है कि अदालत ने पूछा कि लालू का अभी एम्स में ही इलाज हो रहा है ना, अभी उनकी तबीयत कैसी है। कोर्ट के इस सवाल का जवाब देते हुए लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है, उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं जिनका एम्स में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जवाब दायर नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिम्स प्रबंधक पर नाराजगी जताई थी और पूछा था कि क्यों जवाब दायर नहीं किया गया। जवाब दायर करने के लिए अदालत ने समय दिया था। अदालत में सरकार की ओर से बंदियों के जेल से बाहर इलाज व सुरक्षा के मामले में एसओपी प्रस्तुत की गई थी। गृह विभाग की औपबंधिक मंजूरी के साथ एसओपी अदालत में प्रस्तुत की गई थी। बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अदालत टिप्पणी कर चुकी है। अदालत ने कहा है कि सरकार व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है, कानून से चलती है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है और तब तक एक एसओपी तैयार की जा रही है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के ही रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। फिलहाल लालू प्रसाद का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। बताते चले कि अस्वस्थ चल रहे लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग करते हुए उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने एक मुहिम शुरू की है। हालांकि लालू की रिहाई के संबंध में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।